यातायात पुलिस टीम द्वारा बिलासपुर के रतनपुर थाना क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग में स्थित रानीगांव में वाहन चालक के विशेष चेकिंग करत उमा पाए गए कमी बेसी जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन के धुआं उत्सर्जन जांच, दुपहिया वाहन चालक कना बिना हेलमेट पहने वाहन चलाना आदि बात में वो सब के उपयोग और महत्व के विषय में समझाइश दिए गए और मौका में ही ओखर निराकरण करवाए बर ये सुलभ सहयोग के व्यवस्था करे गए जिमा वाहन चालक मन के लाइसेंस निर्धारित शुल्क में और वाहन के बीमा प्रपत्र, वाहन में धुआं उत्सर्जन के जांच समेत मौका में ही ISI मार्क के हेलमेट किफायती दाम में उपलब्ध करवाए जावा थे। लेकिन यातायात पुलिस द्वारा चलाए जाए वाले सुलभ सहयोग अभियान में सबले निराशाजनक बात ये रही कि जनता के सुरक्षा के दिशा में चलाए जाने वाला ये अभियान में वाहन चालक मन के द्वारा कोई खासा रुझान देखे बर नहीं मिली, जेखर तहत अतका सस्ता दाम में भी अपन वाहन के आवश्यक कागजात बनवाए में रुचि नहीं लेवत है, जेमा यातायात पुलिस द्वारा ओमन ला रोक के समझाइश दिए के बाद भी आनाकानी करत नजर आईस और वाद विवाद के स्थिति निर्मित के बाद उनखर द्वारा बताए गई। अब ये अभियान में गिनती के कुछ एक लोगन के द्वारा स्वेच्छा ले यहाँ पहुँचे रहें जेमन वाहन बीमा और लाइसेंस के प्रति अपन रुचि दिखाई और बीमा कंपनी के एजेंट में भी काफ़ी नाराजगी देखे बन मिली। भी नहीं है, बिलासपुर पुलिस के द्वारा यातायात की सकारात्मक पहल की गई है कि आपके कोई भी पेपर यहाँ नहीं है, जो आपके पास गाड़ी मौजूद नहीं है तो तत्काल आप पॉल्यूशन करा सकते हैं, बीमा ले सकते हैं और आपको ड्राइविंग लाइसेंस बना के दिया जा रहा है। यहाँ ड्राइविंग लाइसेंस की प्रक्रिया जो लोग सामान्य जनता जैसे गाँव का आदमी है वो नहीं भर पाता है अपना ड्राइविंग लाइसेंस का, उसको भर के जो जितना RTO की फीस है उतना ही पैसा लिया जा रहा है और किसी भी तरह का पैसा नहीं लिया जा रहा है, 206 रुपये और 356 रुपये यही पैसा लिया जा रहा है। उसके बाद भी लोग अवेयरनेस मतलब लड़ाई झगड़े पे उतारू हैं कि नहीं हमको नहीं करना है, हम यहाँ जा रहे हैं, लोग दसगात्र में जा रहे हैं, नहीं करना है आपको, ये आप कैसा सहयोग कर रहे हैं। स्थानीय पुलिस का बिल्कुल भी सहयोग नहीं, ये उन्होंने टेंट लगा के दिया है और उसके बाद ये हमारे बच्चे बेचारे सवेरे से बिलासपुर पुलिस के सहयोग से आए हैं, इनको खाना भी ये क्या कहते हैं नसीब नहीं है, वो अपना अपना डब्बा लेके आते हैं, हम भी अपना डब्बा लेके आते हैं, तो खाना समझिए खाना दूर की बात है, पानी तक नहीं दिया जा रहा है। ये पानी क्यों नहीं दिया जा रहा है पूछिए, पानी तो हर आदमी का हक है, पानी तो मिलना चाहिए, हम काम कर रहे हैं जनता के लिए, बेचारे क्यों काम करेंगे, हम तो आज से कैंप समाप्ति घोषणा करते हैं, इसको दे दीजिए आप उसमें, हम कैंप समाप्ति घोषणा करते हैं कल से नहीं आएंगे। जी हमारे माननीय SSP सर जी के आदेशानुसार उनके निर्देशन में सुलभ सहयोग कार्यक्रम पुलिस द्वारा जनता के लिए चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत लोगों को वाजिब दाम पे जो भी मतलब न्यूनतम दर है उस पर ड्राइविंग लाइसेंस बनाया जा रहा है, गाड़ी का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट दिया जा रहा है चेक करा के, और साथ ही हमारे साथ बीमा एजेंट भी बैठे हुए हैं जो कि गाड़ियों का मौके पर ही बीमा कर रहे हैं। जनता की तरफ से कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है, क्या अपनी स्वेच्छा से आ रहे हैं या रुकना पड़ रहा है? स्वेच्छा से जिनको जानकारी हो जा रही है वो आ रही है, वो तो चले आ रहे हैं, बाकी आने जाने वालों को हम रोक के उन्हें जानकारी दे रहे हैं कि भाई अगर आपका बीमा नहीं है या ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, है ना, POC नहीं है तो आप जो है यहाँ पे हमसे हेल्प ले सकते हो और बनवा सकते हो मौके पर।